हो चुका होगा मेरे आपके अंदर नहीं हाँ मेरी no, darling. क्या no. अरे ऐसा हो जाएगा तो कितना बाजी हारिएगा बाजी हारिएगा हाँ. सबसे पहले अगर ऐसा हुआ होगा तो उसे जाके डिलीट करूंगा मैं अच्छा वो सो गया बस वो सो रहा है अभिषेक नहीं वो बादाम खा रहा है अरे बाबा बादाम नहीं कहते इसको अरे मूंगफली Yes. आप वहाँ से डिलीट कीजिएगा लेकिन जो पूरे इंडिया के छोटे छोटे शॉर्ट्स में वो डल गया होगा वहाँ से तो कैसे डिलीट कहाँ जावे हम मेरे बिना रह नहीं सकते जुदाई हमसे सह नहीं सकते फिर कहते हैं कि हमसे प्यार नहीं करते कुछ करते कुछ हैं लेकिन फिर भी कह नहीं सकते आज तेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछूं हाँ बोलिए ना बैठना हम ऐसे खड़े में हम कपड़े पहने ना तो आज फुटेज में मेरा फुल आउटफिट आना चाहिए तो आप बोलिए हम ऐसे खड़े होके आपको जवाब देंगे ये फुटेज क्या चीज है फुटेज है जैसे हम जहाँ जाते हैं कैमरा उधर ही आ जाता है तो फुटेज वो चीज़ है तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी फुटेज ज़्यादा दिखनी चाहिए या फिर कम दिखनी चाहिए मतलब ऐसा क्या फैक्टर है हमको क्यों नहीं हम हमको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखें इसलिए नहीं तो मतलब कि तू

हम आपको एक बात ये बोले थे ना कि हमको लोग जल्दी हंसा नहीं पाते हैं लेकिन हम अपना ही वीडियो जब देखते हैं तो मेरे को बहुत बहुत हंसी आता है कि सर हम ये सब बोले हैं ये सब किए हैं तो जो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि जब हमको खुद का ही बात इतना अच्छा लगता है तो आई कैन रिलेट की और शायद अभी तक बाहरी दुनिया में मुझसे जो भी लोग मिलते हैं जैसे मेरे कोई फ्रेंड या हम कहीं भी नए जगह पे जाते हैं तो इतना हम ऐसा फील किया कि हम जहाँ भी जाते हैं सबका दिल जीत लेते हैं ऐसा अपना तारीफ नहीं करेंगे बट हम किसी भी महफिल में रहते हैं वहाँ कितने भी लोग हों पर एक मेरे में ऐसा है कि लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाता है चाहे मेरा बोलने का तरीका है जो भी और जहाँ भी जाते सभी बोलते यार तू मस्त है मस्त है तो भी तक हम जहाँ भी गए जिससे भी मिले तो सबको ऐसा लगता है तो आपको ये लगता है कि आप मस्त हो इसलिए फुटेज आपको ज्यादा मिलनी चाहिए

या फिर तो मुझे लगता है कि लोगों को ना एक कैरेक्टर से एक उम्मीद हो जाता है जैसे अभी कृष्णा सर आते हैं तो जैसे हम मेरा उस टाइम चुगली भी था तो वो ये कि उसके कैरेक्टर से अब ऐसा हो गया कि वो जब भी आएगा तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो एंटरटेन ही करेगा और उससे लोग इंटरटेन ही चाहते हैं बट जब कभी वो ऐसे कुछ सीरियस टॉपिक पे तो लोग उनसे वो उम्मीद ही नहीं करते कि ये इस बंदे तो मुझे लगता है कि जैसे बीच में भी 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 हम serious, हम हम ज्यादा सीरियस सीरियस जबकि रियल थे और अभी भी है, मतलब हम, कभी अगर हम कोई इंसान कॉमेडी करता है 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 तो तो हो सकता हाँ, हाँ, वही चीज okay. तो मुझे लगता है कि जब वो सीरियस चीज को हम ज्यादा जैसे लड़ाई हुआ बट उसको अगर हम ज्यादा कर लिए तो ये घर है ये मेरा फीलिंग है बट कहीं ना कहीं ऑडियंस को मुझे लगता है कि उसको मुझसे वही चाहिए कि मनीषा मसालेदार है बिंदास है जैसे रहती है रहे तो वो चीज है बट फिर यही ना कि कोई घर के अंदर आके नहीं देख रहा है अगर कोई सिचुएशन पे लड़ाई हुआ है अगर हम किसी बात पे रो दिए तो अभी जैसे नेहा का गर्दी भी आई थी तो मेरे को ये बोली कि मनीषा तुम जैसी हो वैसी रहना तुमको जहां रोना आता है रो जहाँ जो फीलिंग आता है करो क्योंकि जो Correct. एक रियल फैन होगा तो वो कनेक्ट करेगा कि यार ये भी इंसान है इसका इसको भी कभी रोना आ सकता है कभी इसका भी दिल दुख सकता है बट एक फैन होता है जिनको उनसे वही चाहिए ही होता है कि नहीं यार ये है तो ये मतलब बिंदासी है अब इसको किसी कोने में रोता हो क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को हंसाना अगर हम किसी कोने में बैठ के रोएंगे या हम चिल्लाएंगे तो वो मेरे कैरेक्टर पर सूट नहीं करेगा तो मुझे शायद में भी लग सकता है कि अभी इस घर में ज़्यादा ज़्यादा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को अपने तरीके जिस तरीके जिस की वो चीजें करता है उस तरीके की बजाय अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करना चाहिए लोगों को कि मान लो वो कॉमेडी कर रहा है तो वो लोग उसमें भी देखें वो सीरियस है उसमें भी देखें अगर वो इमोशनल है उसमें भी देखें बिल्कुल बिल्कुल तो वो जुड़ाव कैसे बन सकता है एक

लोग आपको कनेक्ट कर लेंगे चाहे आप किसी भी मोमेंट पे रो रहे हो या फिर लोग कहीं ना कहीं आपका नेचर समझ गए कि ये बंदी ऐसी है एक बार दो बार फेक एक्टिंग कर सकता है फेक रो सकता है या फेक चीज़ों पे लड़ सकता है बट अगर उसका कंटिन्यूटी एक दिन से साठ दिन तक वो बंदी वैसी ही रही है तो लोग फिर उसको उसकी ओरिजनैलिटी के वजह से उसको पसंद करेंगे कि नहीं यार ये जो कर रही है सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रही ये रियल में भी ऐसी है अगर ये सम टाइम छोटे छोटे चीज़ों पर रो देती है तो बहुत ऐसा चीज़ है जिसपे रो देती है तो इस इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कैमरा और कहीं ना कहीं हमको पता है कि I'm not, हम आपसे प्यार नहीं करते बट फिर इस प्यार में कोई कभी जैसे का कल वो comment मारी कि अरे Elvis चल जाता तो है उसको फर्क भी नहीं पड़ता तो वो वो गलत बात बोली हम प्यार आपसे नहीं करते बट प्यार ना करके भी जो दोस्ती में आपके लिए जो करते हैं ना वो हम दिल से करते हैं मतलब वो प्यार या हम अभिषेक को भाई मानते हैं आपको फिर वो प्यार शायद प्यार से भी ज्यादा बढ़ गए हैं तो मेरे लिए प्यार को तो खैर साइड में छोड़ो बट जब कोई सीरियसली कोई ऐसा सोचेगा कि अरे ये तो सिर्फ फुटेज के लिए या फिर फ्लटिंग कर रही है इसलिए इस, इसका कनेक्शन है तो वो फिर गलत होगा कि हम आपके लिए और अभिषेक के लिए जो करते वो दिल से करते हैं और हम दिल से आप लोग को अपना मानते हैं और प्यार मोहब्बत हम तो मुंह पे बोलेंगे नहीं हम आपको प्यार नहीं करते बट हाँ जब बात इज्जत की आती है तो ये पूछा ही नहीं ना अपने बारे में आई रिस्पेक्ट यू आई लाइक यू हाँ मैं मैंने जो पूछा था वो तो खत्म हो गया हमको नहीं समझ में आया वो आ, हाँ। नहीं वो बता तो दिया तूने हां वही वही हां तो मैं कह रहा था कि वो बता चुकी तू खत्म हो गया था ये तो बात की तो मेरी बात थी अलग से ओके Very nice, यार. नहीं जैसे कल का बोली थी उस टाइम लगा इसलिए हम उस टाइम मुंह पे बोले थे तुम कैसे कि फर्क नहीं पड़ता है तो उन लोग के लिए रिलेशन अभी जैसे पूजा एक तो सच कह देखिए कि किसी के रोस्ट टाइम को हम इतने नॉर्मल हो जाते हैं पूजा दी से नॉर्मल है मेरे को बुरा नहीं लगता बट कुछ ऐसा वर्ड होता है जैसे बेबिका जब मर्द मर्द बोलती है ना आई डोंट लाइक डैट वर्ड अभी अभी मर्द में आप बोल दो जवान लड़के या लॉन्डे या फिर लड़का अब ये कुछ ऐसा वर्ड होता है जो इंसान दो तरीके से बोलता है ना तो एक से वो नॉर्मल लगता है दूसरा वर्ड वो सुनने में नहीं अच्छा लगता तो किसी लड़की को ये चीज से रिलेट करके कि मर्दों को देख के ये करती है मर्द तो अच्छा लगता और इससे वो मेरा पर्सनैलिटी नहीं दिखा रही है वो वो कही कहीं कहीं ना अपना दिखा रही है है कि एज अ लड़की लड़की किसी लड़की के बारे में एक एक रोस्ट करना होता होता बट एक तरीके से बोलना होता। तो तरीके से बोलने में और समझदार तो है कि तुझे इतनी सारी चीजें पता है कि मर्द को इस तरीके से बोला जा सकता है उस तरीके से ऐसा लग सकता है इतनी समझदार तो है तू फिर भी कई बार तू समझती क्यों नहीं है चीजें कौन सी चीजें बहुत चीजें सब समझते हैं तुझे जैसे इतनी बड़ी बात पता है हाउ टू फ्रेज वर्ड्स वर्ड्स कहाँ कहाँ किस उसमें यूज होते हैं कैसे यूज होते हैं तू समझदार तो है ही तो अभी आपको क्या लगे वो रोस्ट में आपको कुछ ऐसा वर्ड बोल दिए मुझे मुझे तो बोल भी मुझे तो मजा आता मुझे बोलते तो मैं वैसे कह रहा हूँ हाँ तुमको वो समझ में आता है देखिए हम क्या बोल रहे ना कि पटाना मेरा एक एक इंटेंशन होता है अगर हम कुछ में बोल भी देते हैं पीपल नो और हमको अपने आप में पता है कि मेरा इंटेंशन समझिए पर अभी जब ऐसा मर्द वर्ड आता है ना उसको हम जो मेरा पहला भी लड़ाई हुआ था हम यही बोले थे कि मेरे को अभी बेबी का ये सब वर्ड सुनने नहीं अच्छा लगता है एक एक होता है यार लड़का देख के पिघल जाती है अरे लड़का बाज है एक होता है कि मर्द को ये दोनों में ना बहुत फर्क हो जाता है गंदा लगता है सुनने में कि मर्द को देख के ये अब मे भी वो उसके लिए नॉर्मल होगा बट मेरे लिए नहीं नॉर्मल और मेरे को नहीं अच्छा लगता है मैं समझ रहा हूँ तो वो चीज बट फिर भी हम उसमें नहीं बोलते कि चल लोगों का ये नजरिया होता है बोलने का ठीक है उसका अपना एक चीज नोटिस करी तेरे बारे में हाँ। कि तू जैसे रियल है नो डाउट उसकी कोई वो नहीं है बट तेरे दिमाग में एक चीज ये भी है कि, कि तू कुछ बोले और वो चीज सु, सुनाई दी जाए समझ लिया मैं क्या कह रहा हूँ कि कैमरा उसे रिकॉर्ड जरूर करे ये फैक्टर रहता है तेरे मन में है माई करेक्ट बिल्कुल कि जैसे कि मान लो बात चल रही है तो तेरा ध्यान ये भी रहेगा कि कैमरा है ना इधर मैं ये वाली बात कह रहा हूँ बिल्कुल तो इसमें भी मेरा रियल रियलिटी है क्योंकि रियल में भी ऐसी हैं ये चीज है वही बात है

मेरा सीरियसनेस आता है कि हम आपका आप अभिषेक के लिए कुछ कर रहे हैं केयर कर रहे हो जो मेरा रियल वाला प्यार है जो बताते हैं हम तक कौन कैमरा देख रहे हो उस टाइम

के लिए नहीं मैं अगर अगर कोई चीज बोलता हूँ तो मैं वो गेम के तुझे तूने देखा होगा मैं तेरे को कोई भी चीज़ समझाता हूं। मैं बिग बॉस से रिलेटेड मैं उस तरी, उस उसमें समझाता हूं कि तू यहाँ भी याद रखे और तेरे बाहर भी तू उस चीज पे अमल करे और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत समझदार हूँ कि मुझे सब आता है बट एज पर माई व्यू जैसे सपोज तू कोई भी चीज है कर रही है अब एक जैसे तुम्हें कोई पॉइंट प्रूव करना है मान लो मैं ये हूं तो आप उस चीज को सौ बार बोलते हो hmm. तो एज अ थर्ड पर्सन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी जैसे आप कुछ हो तो आपको वो चीज़ ना एक बार बता दी दो बार आपको ना बार 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 कोई चीज़ को करते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम होती है अब जैसे सपोज तू बार, बार 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 किसी के पीछे पड़ेगी कोई भी है मान ले hmm. तो वो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू कम होगी अब तू तो कोई वर्ड बार बार यूज करेगी तो उस वर्ड की वैल्यू कम होगी अब सपोज तू जैसे बोलती है हम रियल है हम रियल है तो उस वर्ड की वैल्यू कम होती है हमें पता है, तू है और जो देख रहा है उन्हें भी पता तू है, है। बट जब हम उस चीज को बार बार बोलते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम होती है समझ गए ये वाली बात तो एक्शन से तू तो प्रूव कर देती है कि है तू अच्छी बात है पर उसको बोल बोल के उसकी वैल्यू कम नहीं करते हमें सोचना तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कैसे करें अपने एक्शंस के थ्रू मैं ये कह रहा हूँ और ये यहाँ के लिए नहीं है कि यहाँ पे काम आएगी दुनिया भर में और जरूरी नहीं कि बस यही एक चीज़ है कि रियल और भी अगर मान लो बाहर लाइफ में तू कुछ कर रही है तो एक्शन से प्रूव करो उस चीज़ को रैदर देन कि सौ बार बोल दी वो चीज़ तब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी वो इफेक्टिव तब होगी जब वो दिख रहा होगा समझे समझदार तो है तू यार पता है मुझे अब, आपका बात आपका बात हम बहुत अच्छे से समझे बट इस पे बस हम अपना एक चीज बताना चाहेंगे कि आप बहुत ज्ञान वाला बात बोले हैं बहुत बट अब हम अपना बताते हैं कि जैसे हम अच्छी हैं ठीक है <laughs> अब कोई लड़की होती है <laughs> एक लड़की होती है आप बताते एक लड़की सुंदर होती है तो वो हमेशा नहीं बोलती है मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ एक में होता है कि वो है सुंदर और वो एक्चुअल में है बट उसको अपना तारीफ करना है मैं सुंदर हूँ मैं सुंदर हूँ सुंदर एक लोग होता है जो सुंदर बट अपने आप को कभी कॉम्प्लीमेंट आई नो आई एम सुंदर बट अंदर ही तो ये सीम आप देखिएगा अगर जैसे हम चलते फिरते आपको बोल देते यार इसका अच्छा इसका सच्चाई अभिषेक का आप ये देखिएगा तो मेरा ना ये ऐसा है कि हम ना कॉम्प्लीमेंट हम आपको पहले भी बताए थे कि हमको दूसरा का तारीफ करना और अपना तारीफ मेरा ऐसा कि कोई नहीं भी करेगा ना तो एक्चुअल ठीक है, है और सामने वाला अगर आप मेरे लिए इतना सा कर भी दीजिएगा तो उसको वो चार बार बोलेंगे तुझे पता है कि तू कितनी अच्छी है तेरे जैसा कोई होगा नहीं और वो फिर नहीं भी रहेगा हम उसके पीठ पीछे भी बोलेंगे कभी बात होगा तो दो टाइप के लोग होते एक है कि आप उसके लिए कितना

और एक कोई होता कि नहीं मेरे को सिर्फ मेरा तारीफ करनी नहीं है हमको एक्चुअल में आप अच्छे लगेंगे तो हम इस पूरे सीजन में अगर बेबी का मेरा कितना भी दुश्मन बन गया बट हम बोलते हैं कि उस लड़की के बिना ये सो अधूरा रहता उसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया बट हम फील कर लिए कि वो लड़की है इसका इम्पोर्टेंट भाग तो हमको जब भी मौका मिलता है हम सबके सामने भी ये बोल देते कि नहीं इसमें बात है बेबी का डिजर्व करती है बेबी का ये वो तो मेरा ऐसा है कि हम लोगों का अच्छा वाला चीज़ देख के उसको भी हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अपने आप को भी करते हैं अब हमको पता है कि अब कितना लोग सोचते हैं अरे यार इतना क्यों अपने आप को जता रही है जब है ही तो फिर क्यों बताना अब जैसे जो ये वाले लोग तूने बोला हाँ। कि लोग सोच रहे हैं हाँ। तो जो ये वाला पोर्शन है ना लोगों का ये ज्यादा है ऑडियंस में मतलब बहुत कम लोग होते हैं ना अलग सोच रखते हैं जो अलग क्यों, कुछ सोचता कुछ सोचता तो ये वाला जो तूने बोला कि ऑडियंस सोचती होगी क्या पता सोचती हो ठीक है अब क्या बोले हम जो भी अब हम तो तूने मतलब कोई कैसा हो हम ऐसे ही रहेंगे हां वो वाला तो गाली गलौच क्यों ना देवे तू <laughs> क्योंकि गाली गलौच हम रियल लाइफ में भी नहीं देते हैं। अच्छा हाँ ये सब देते कुत्ता कमीना दोगला तो इधर इधर आए तो दोगला ऐसे नहीं बोलते हैं अच्छा। कुत्ता अच्छा। कमीना बहुत अच्छे सुंदर है नहीं अच्छा वो दिन तो दे रही थी तू किस दिन बोल देते कभी कभी दिमाग गरमाता है पर वो नहीं देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार कोई नहीं हम गाली वाली नहीं देते कभी भी। हाँ मेरी बहन एक जो मुंबई में मेरी एक बहन बहन मेरे साथ रहती सगी का नाम भी है बहन का भी नाम है हम हाँ। सगी बहन तो उसके साथ ना मेरे एक दो वर्ड है गंदा जो उस वो उसके वजह से हो गया क्योंकि उसका चेहरा ही ऐसा ना कि उसको देखिए गाली निकल जाता है मतलब एक होता है ना कि जब लोग किसी से बहुत ज्यादा फ्रैंकली होता है तो अब हम दोनों अकेले रहते हैं घर में कोई नहीं अब कुछ बात पे हुआ तो वो मेरे को बोल देती है एक वाला वर्ड तो हमको भी फिर हमको नहीं बर्दाश्त होता हम भी जब हम लोग ऐसे साथ रहने थे ना मेरी मम्मी आने वाली थी मुंबई दोनों एक दूसरे को समझाएंगे देख माए के सामने ये सब वर्ड नहीं होना चाहिए समझ रहे हो फिर दोनों एक दूसरे को समझाएंगे देख, देख बहन मम्मी आ रही है ये वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग अब मेरा भी है ना कि जैसे गाली भी मेरे लिए ऐसा कि जो मेरा बहुत अपना है हम सबके सामने गाली नहीं दे पाएंगे कि जब हम नहीं देते हैं, अब वो उसके साथ हम हमेशा घर में रहते हैं तो घर में रहते रहते है देखिए हम गाली देने वाला को हम गाली नहीं देते हैं हम दारू नहीं पीते है बट हम जो करता हम उसको गलत नहीं मानते सब लोग पहले ये मेरा थिंकिंग तर्ज जब छोटी थे तो कोई लड़की रास्ते में ऐसे सिगरेट पीती थी नहीं होता हाँ। बताया तो वो सबसे जज नहीं करना मेरे को कोई गाली दे रहा है या कुछ भी इंसान कोई भी अच्छा हो सकता है पहले उसको जानो समझो फिर वो चीज है ये तो बात बोली नहीं मैंने <laughs> तो हम क्या करें यार तो हम ऐसे ही बात करते हैं इधर का बात उधर मेरे को तो मजा आता फिर से ऐसे छेड़खानी करने में कि इधर की बात उधर जब बोले तो मैं तुझे टोक दूं कि अरे अरे ये तो पूछा ही नहीं था ये तो पूछा ही नहीं था ये तो क्वेश्चन ही नहीं था ये तो क्वेश्चन ही नहीं था अरे सुन लिया मैंने मनीषा मैं यही बैठा मनीषा ऐसे ये है ना मेरे कुछ वर्ड्स जिससे तुझे लगा रहा, क्यों है, है? कुत्ता ऐसे सोचा ना मन में तू कुत्ता कुत्ता नहीं सोचा कुत्ता आज तक आपको नहीं मन में बोला कुछ तो मन में बोला खड़ूस खड़ूस भी नहीं बोला तो क्या क्या बोला मेरे को तेरे को मैं वैसा लगता हूँ क्यों समझा रहा है मुझे यार नहीं मेरे को नहीं समझना

आपके बातों में हमको इंटरेस्ट नहीं आता है हमको आप में इंटरेस्ट आता है इसलिए सच के अगर ये बात कोई थर्ड पर्सन बोले बोले ना तो उसको हम मुंह लाल करके यासा साला कसम से बस आप समझिए कि हम आपको सुन लेते बहुत बड़ी बात है अगर यही आप जो बोल रही बात पूजा दी और बेबिका बोलती तो हम बाथरूम से निकलते क्या बोले हाँ चलिए ठीक है बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड लोग उसी का आवाज सुनता है जिसमें इंटरेस्ट होता है हाँ बिल्कुल

मेरा मैंने सोचा कि जैसे सपोज मैं वाइल्ड कार्ड हूँ अब तो, अब तो कितना वो हो गया ऑब्वियस नहीं हो गया कि सबको पता है वाइल्ड गार्ड है और, और ये तो वाइल्ड कार्ड है ये अभी सारा वजनदार वार्ड हो गया कि एक एक तो भाई कंटेस्टेंट है और एक अच्छा वाइल्ड गार्ड भी तो है तो वो एक जुड़ गया मेरे नाम से यार रिसेंट डेज में कुछ ज्यादा हो रहा अगर देखा जाए तो पर आई थिंक मुझे लगता है हम इतना पूरा सीजन नहीं देखे बट हमको लग रहा है कि वाइल्ड कार्ड को कभी हम टॉप फाइव तक भी नहीं आते हुए देखे नहीं जो आप कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड का ये चीज चेंज किए हैं कि ये वाइल्ड कार्ड कितना तगड़ा आया है आप अपना कॉम्प्लीमेंट नहीं सुनते जब भी कोई आता बोलता है कि तुमने आंखें नमक डाल दिया है तुमने शो का वो फ्लेवर फ्लेवर चेंज कर दिया तो आपका महत्व इस शो में बहुत ही ज्यादा है इस चीज को आप देखिए तो एक तरीके से मतलब अगर किसी का विन देखा जाए जर्नी या इम्पैक्ट से तो शो के फॉर्मेट के हिसाब से अगर वो वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो जर्नी का तो कोई महत्व ही नहीं बचा महत्व तो बचा, महत बचा इम्पैक्ट का कि साठ दिन में भी आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो और पांच दिन में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो बिल्कुल बिल्कुल तो दिन वाली चीज तो कट गई अगर वो ना कटनी होती तो शो में वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन ही नहीं होता समझ मैं क्या रहा देखिए बात बात आपका बात, हम जैसे आप एक personality हैं। अभी इस शो में अभिषेक और मनीषा नहीं रहती तो ये शो आप जीतते हैं। शॉर्टकट में बता रहे नहीं, ये बोल रहे ना कि देखिए एक हुआ कि अब जैसे आप तुम हो ना ऐसा तो मैं सोच नहीं सकता नहीं हम हम एग्जांपल दे रहे कि जैसे आप दोनों को तो लग रहा है कि तुम दोनों मुझे रोक दोगे <laughs> तो अभी अभी मेरी बात सुनिए जैसे आप अच्छा लगा मुझे आप बहुत इम्पैक्टफुल है बहुत इम्पैक्टफुल तीस दिन में आके धमाल कर दिए और दो ऐसे बंदे होते जैसे जो टॉप थ्री में जा रहे हैं कि वो लोग हैं मतलब जर्नी है वो लोग का बट आपके कंपैरिजन में वो इम्पैक्टफुल नहीं है तो आप डिजर्व करते बट दो बंदे हैं जो इम्पैक्टफुल भी है और एक उसमें ऐड हो जा रहा है तो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम तीन जने हैं फॉर एग्जाम्पल तो हम तीनों का तराजू एक